दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किस्त भुगतान पद्धति। तो देखिए, अगर आप लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम में जो भी गुड्स हम लोग सेल करते थे, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी गुड्स की सेल की जाती है। और ये जो सिस्टम है, इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि बायर जो होते हैं वो गुड्स की पूरी अमाउंट का पेमेंट एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट किया जाता है, और गुड्स का जो ऑनरशिप होता है वो क्या होता है, बायर को तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। बट हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। हायर परचेज सिस्टम में अगर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता था, तब तक उनको ऑनरशिप की कॉपी नहीं दी जाती थी, यानी कि जो गुड्स परचेज करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने गुड्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, यानी डाउन पेमेंट दे दिया, वैसे ही आपको ऑनरशिप की कॉपी मिल जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सेल करने की एक ऐसी सिस्टम जिसमें बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हुए रहते हैं कि एसेट का ओनरशिप जो है सेल के समय ही बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या होता है कि एसेट की डिलीवरी भी बायर को उसी समय कर दी जाती है, और जो सेल होता है, ठीक है, उसका जो अमाउंट होता है उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट के थ्रू होता है, यानी कि जो बायर परचेज करते हैं गुड्स सेलर से, तो इन दोनों के बीच में ऐसे एग्रीमेंट हुए रहते हैं जिससे क्या होता है कि भाई अभी डाउन पेमेंट ले लो। अगर मान लो कि 10,000 रुपये का आपने गुड्स परचेज किया है, तो उसमें आपने 2,000 रुपये क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है, और बचे 8,000। बट क्या होता है कि सेलर जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि 8,000 का तुम कुछ इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड कर देना और उसके बाद हमको दे देना, यानी कि 8,000 में अगर 5% अगर आप इंटरेस्ट इंक्लूड कर देते हो तो हर ईयर जितने ईयर का आप एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे उतना का इंटरेस्ट आप दोगे हर साल, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा वो हर साल आपको देना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट हुए रहते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है उसको या तो आप इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड करके दे सकते हैं या इसके अलावा आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आपसे अंडरस्टैंडिंग होती है वो बायर और सेलर के बीच में। और क्या होता है कि अगर बायर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो सेलर अपने गुड्स को वापस नहीं ले सकता है। ये राइट सेलर के पास नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है बायर, ठीक है, तो सेलर क्या करता है, अपना गुड्स वापस ले लेता है, क्योंकि उसको ये राइट्स मिले रहते हैं कि भाई हम अपना गुड्स वापस रिपोज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सेलर जो होता है वो अपना गुड्स वापस नहीं ले सकता है। वो अगर मतलब कुछ कर सकता है तो वो कोर्ट केस कर सकता है सिर्फ लोन के अमाउंट के लिए, न कि गुड्स के लिए, ठीक है, तो वो गुड्स वापस नहीं ले सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये इंग्लिश में डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट सेल इन विच पेमेंट्स आर मेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अंडर दिस सिस्टम बायर गेट्स द पोजीशन एंड आल्सो ओनरशिप ऑफ द गुड्स राइट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट सेल। ये जो सिस्टम है ये क्रेडिट सेल की तरह होता है, और इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट होते हैं वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू होते हैं, और इसमें एक समय दिया जाता है कि 2 साल या 3 साल या 4 साल, जब भी आपको मतलब जितने समय में पेमेंट करना है एक पीरियड ऑफ टाइम इनको दे दिया जाता है। और इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि गुड्स का जो पोजीशन है वो बायर को तुरंत मिल जाता है, और ओनरशिप की कॉपी जो होती है वो मतलब कि एग्रीमेंट साइन करने के समय ही उनको मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट अगर डाउन पेमेंट वो करते हैं उसी समय एग्रीमेंट की कॉपी उनको मिल जाती है। तो ये एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बहुत अच्छी बात है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और आगे चल के कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए पहले ही एग्रीमेंट हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।